ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। खबरों की शुरुआत करते हैं ठाणे के रुस्तम जी साकेत के पास। बुलोरो पिकअप सुबह 10:30 बजे के करीब पलटी हो गया, जिसमें 19 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है, एक युवक की मौत हो गई है। जो जिसका मौत हुई है वो संजय नगर का रहने वाला है। बाकी के जो 19 लोग जख्मी हुए हैं उनका इलाज चल रहा है अलग अलग अस्पताल में, और कुछ लोगों को सिविल अस्पताल में एडमिट किया गया है और 5 लोगों को साइन हॉस्पिटल भेजा गया है इमरजेंसी में, और जो ज़्यादा जख्मी हैं उनको जुपिटर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पिकअप ट्रक में जो लोग सवार थे वो सब मुमरा के, जीवन बाग के, संजय नगर के रहने वाले थे, और उसमें कुछ लोग जो थे और वो कलवा के रहने वाले थे। फिलहाल 19 लोगों की इलाज किया जा रहा है। एक युवक जिसका नाम आलम हुसैन है, उम्र 18 साल, उसकी मौत हो गई है। हम आपको बता दें, ये लोग झाड़ लगाने का काम करते थे और आज सुबह घर से निकले थे। मुंबई महानगर पालिका के हद में ये लोग झाड़ लगाने का काम करने जा रहे थे। रुस्तम जी साकेत यानी टोल नाके के करीब अचानक ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का और कई लोगों को टक्कर मारते हुए पिकअप पलटी हो गया। बुरी तरह से जो उसमें सवार थे वो लोग जख्मी हो गए। एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है, हमेशा जो ड्राइवर गाड़ी चलाता था वो आज नहीं आया था, और नए ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आया, जिसके कारण गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, आसपास के गाड़ियों को टक्कर मारते हुए पलट गया। जिस वक्त गाड़ी पलटा है, ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया। इस एक्सीडेंट के बाद पीड़ित परिजनों में मातम मच गया। एक बात और हम आपको बता दें, एक दिन में बीएमसी के तरफ से ठेकेदार 600 रुपये देता था और 600 रुपये ने परिवार वालों को, पीड़ित को गम में डाल दिया है। हम आपको बता दें, जो लोग इस एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं उनका नाम क्या है, एक असगर शेख, अनिल महतरे, मोहम्मद शेख अजीज, ये कलवा के रहने वाले हैं, और इकबाल सलीम शेख, अब्दुल अहद सलाम शेख, परवेज हसन खान, इब्राहिम नखुदा, मोहम्मद समी मिलान शेख, अशरफी अब्दुल करीम शेख, मोहम्मद आसिफ हारून शेख, मोहम्मद अंसारी, अदनान मस्तान शेख, करीम अब्दुल रहमान शेख, चांद हबीब अंसारी, साहिद शेख, रविंद्र जाधव, ये लोग सब 18 से 20 साल के यंग लड़के हैं जो मुमरा के, जीवन बाग, संजय नगर, सम्राट नगर के रहने वाले हैं। संजय नगर का रहने वाला आलम की मौत हो गई है और 19 लोगों की इलाज जारी है, इलाज चल रहा है अलग अलग अस्पतालों में। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।